कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एकदम तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसे होने वाला है सारे कोर्सेज के लिए क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस क्या क्या होगा क्योंकि जी ने नोटिस जारी की थी उसी में उसने सिलेबस समाहित कर दिया था तो मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन से टॉपिक से आप लोग के क्वेश्चन आने वाले हैं वी टी एग्जामिनेशन में तो छत्तीसगढ़ के नए बच्चे जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको बता दूँ कि हमारे यहाँ जी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट और इम्पॉटेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई जाती है तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके एम सीरीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं और अदर कोर्सेज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसा कि मैंने वीटीब के प्रिपरेशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाया है उसे भी चेक कर सकते हैं बात कर लेते हैं यार स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर कैसा होगा देख सकते हैं सबसे पहले आप लोग का दिया हुआ है बीए ऑनर्स हिंदी इंग्लिश जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन एंड एंथ्रापोलॉजी का आप लोग देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन पे वन ट्वेंटी मिनट्स का होगा मतलब दो घंटे का आप लोग का पेपर होगा हंड्रेड मार्क्स के होंगे और हंड्रेड क्वेश्चन आप लोग के होंगे जो कि एम होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आप लोग के सामने प्रश्न होगा और चार ऑप्शनस होंगे आप लोग को किसी एक पर क्लिक करना है ठीक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि घर पे होगा या सेंटर मिलेगा तो जी जी उन्हें अपने नोटिस में सीधा सीधा कह दिया था कि आप लोग का घर पे होगा आप लोग अपने स्वीटेबल के अनुसार आप अपने कंफर्ट के अनुसार अपने मोबाइल पे अपने लैपटॉप uh, डेस्कटॉप पे आप लोग जो है एग्ज़ाम दे सकते हो बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की तो देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस जनरल मेंटल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी कॉम्प्रिहेंशन एंड सब्जेक्ट अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट इंक्लूडिंग बेसिक नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्वामेंट एंड इट्स पॉल्यूशन ह्यूमन बॉडी हेल्थ कॉमन डिसीज़स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड रॉ मटेरियल क्लाइमेट एंड वेदर और ऐसे ही आप लोग के कई सारे यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं ठीक है यहाँ पर लास्ट में आप लोग को दिख रहा होगा इन हिंदी इन इंग्लिश वेयर द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू आंसर आइदर इन हिंदी लैंग्वेज सेट और इंग्लिश लैंग्वेज सेट बट नॉट बोथ मतलब आप लोग का जब मुख्य टेस्ट होगा तब आप लोग को पता चलेगा वहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन चूज़ करने के लिए दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी तो आप लोग को अगर हिंदी में सुइटेबल हो तो आप लोग हिंदी में क्लिक करोगे और अगर इंग्लिश में सुइटेबल हो तो इंग्लिश में क्लिक करोगे इससे आप लोग के क्वेश्चन जो है आप लोग के चूज किए गए लैंग्वेज पर आप लोग को शो होगा आप लोग के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ठीक है बात कर लेते हैं बी ऑनर्स हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बैचलर ऑफ सोशल वर्क की तो यहाँ पर भी सेम ड्यूरेशन है दो घंटे का पेपर होगा हंड्रेड मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ पे सिलेबस आप लोग को दिया है जनरल अवेयरनेस जनरल मेंटल एबिलिटी ठीक है न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोग का यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने वाले हैं ठीक है तो ये था सिलेबस बी ए ऑनर्स हिस्ट्री पोलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स बैचलर ऑफ सोशल वर्क के लिए अब देख लेते हैं सिलेबस बी एस सी ऑनर्स कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ्स फिजिक्स जोलॉजी बोटैनी रूरल टेक बायोटेक एंथ्रोपोलॉजी फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री बी फार्मा डी फार्मा बी एस सी फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे भी सेम है यार दो घंटे का पेपर होगा हंड्रेड मार्क्स कंटेन करेंगे और हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे बी एस सी एंथ्रापोलॉजी बायोटेक्नोलोलॉजी बोटे जियोलॉजी में तीस क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे तीस क्वेश्चन केमिस्ट्री फोर्टी क्वेश्चन बायोलॉजी के बी एस सी ऑनर्स फिजिक्स मैथमेटिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस में तीस क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे तीस क्वेश्चन केमिस्ट्री के और फोर्टी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे बी एस सी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस केमिस्ट्री में तीस क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स के होंगे तीस क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन मैथमेटिक्स और ट्वेंटी क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे ध्यान से सुनिएगा बी फार्मा डी फार्मा के लिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे तीस क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे थर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे ट्वेंटी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के और ट्वेंटी क्वेश्चन बायोलॉजी के कई लोग पूछ रहे थे मुझसे कि बी फार्मा वाले क्या सर आप लोग का मैथमेटिक्स भी होगा यस बी फार्मा वाले का ट्वेंटी मार्क्स का मैथमेटिक्स क्वेश्चन आएगा और ट्वेंटी मार्क्स का आप लोग का बायोलॉजी का आएगा मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन होंगे हंड्रेड मार्क्स के टोटल प्रश्न पत्र होंगे बी एस फॉरेस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं थर्टी क्वेश्चन फिजिक्स के थर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री के थर्टीन क्वेश्चन मैथमेटिक्स के थर्टीन क्वेश्चन एग्रीकल्चर के और फोटीन क्वेश्चन आप लोग के बायोलॉजी से पूछे जाएंगे नेक्स्ट आप लोग का बी ऑनर्स का है तो यहाँ पर भी सेम ड्यूरेशन है टू आवर्स का हंड्रेड मार्क्स कंटेन करेंगे हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे यहाँ पर लो आप लोग टॉपिक्स देख सकते हैं अकाउंटिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मनी बैंकिंग मैथमेटिक्स जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर आप लोग का पूछा जाने वाला है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इंटीग्रेटेड बी एल एल बी और बी कॉम एल एल बी की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ड्यूरेशन है दो घंटे का पेपर होगा हंड्रेड मार्क्स कंटेन करेंगे हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे देयर विल बी थर्टीन क्वेश्चन ऑन हिंदी इंग्लिश अटेम्प्ट एनी वन फोर्टी क्वेश्चन ऑन जनरल अवेयरनेस जनरल मेंटल एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी बेसिक नॉलेज ऑन प्लांट्स एनिमल्स इन्वायमेंट पॉल्यूशन एंड सो ऑन तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपना सिलेबस इसके बाद बात कर लेते हैं बी के तो यहाँ पे देर सेल भी आ, वन टेस्ट ऑफ वन ट्वेंटी मिनट्स का होगा हंड्रेड मार्क्स कैरी करेंगे हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और सिलेबस आप लोग के सामने आप लोग स्क्रीन ले सकते हो बात कर ले ऑल पीजी कोर्सेज के लिए एम हो एम हो एम हो एम हो एम -E हो ठीक है एम -E हो आप लोग के लिए यहाँ पर दिया गया है हंड्रेड मार्क्स के होंगे हंड्रेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे वन मिनट्स का होगा देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आप लोग का

बात कर लेते हैं अदर की जैसे कि बी लिब इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसकी बात करें तो देर सेल बी वन ट्वेंटी सेम ड्यूरेशन है थर्टी क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश के होंगे फोर्टी क्वेश्चंस जनरल अवेयरनेस जनरल मेंटल एबिलिटी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे ठीक है ओके मेथड ऑफ आंसरिंग इन टेस्ट यहाँ पर दिया गया है गाइडलाइंस एंड मैथड ऑफ आंसरिंग इज अवेलेबल सेपरेटली कैंडिडेट्स हैव टू कम्पाइल द इंस्ट्रक्शन एंड अटेंड अ मिनिमम ऑफ वन मोक टेस्ट सेशन टू मेक दम फेमिलियर विद द प्रोसेस बिफोर हैंड कहने का मतलब है कि मेन एग्जाम देने से पहले आप लोग को एक मॉक टेस्ट कम से कम देना होगा जिससे आप लोग को प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों को कैसे देना है एग्जामिनेशन ठीक है इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आई थिंक ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा स्क्रीन शॉट लेकर के ठीक तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोग को कवर करने हैं अपने वी ओ टी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना है और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर